हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कुकिंग विद दीपाली। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई उपमा, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप सेवई। ये रोस्टेड है, अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो प्लेन वाली हो तो उसको रोस्ट कर लीजिए। एक प्याज लिया है, एक आलू, थोड़ी सी मटर ली है मैंने, एक चम्मच बटर है, लेमन है, 1/2 टीस्पून अजवाइन, सॉल्ट, ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली में थोड़ा सा रेड चिली भी हो गई है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, चम्मच तेल ले लिया है। पहले इसमें अजवाइन डालेंगे, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हमें भूनना है। यहाँ महाराष्ट्र और साउथ में इसको सेवई उपमा बोलते हैं और नॉर्थ साइड में इसको जवे बोला जाता है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो हमारे यहाँ इसको जवे बोलते हैं और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, उनकी फेवरेट डिश है ये। अब ये प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें चिली ऐड करूंगी, हल्दी, मैं सॉल्ट डाल दूंगा। सॉल्ट आप लोग अपने स्वाद अनुसार डाल देना। अब हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। इसको ढक करके पकने देंगे, बॉईल हो चुका है पानी, अब मैं इसमें सेवई ऐड कर रही हूँ। इसको ढक देंगे, सारा पानी इसका खत्म हो जाएगा, तब ये अब इसमें बटर ऐड करेंगे। आप देखिए सारा पानी इसका चल चुका है। सेवई डालने के बाद मैंने इसको सिम पे कर दिया था, लो फ्लेम पे पकाया है मैंने इसको। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, आलू भी कर चुका है, अब इसको 2 मिनट के लिए और सिम पे पकने देंगे। रेडी हो चुका है ये, पानी इसका पूरा जल गया है और कैसे ये खिला खिला बना है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए, रेडी है सेवई उपमा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।